नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार की धरती इस बार भी क्रांति का प्रतीक बनेगा या बनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी दलों के जुटाने का हीरो बने और सबके लिए आज चर्चा का विषय है। नीतीश के साथ इनके पुराने लालू प्रसाद भी जुटे और चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। बहरहाल इसमें कई बातें निकल के आईं कि क्या विपक्षी एकता कायम रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किले को क्या ध्वस्त कर पाएंगे। इसके संबंध में जो ममता बनर्जी ने पहले ही कहा कि मीटिंग से पहले कोई एजेंडा लेकर ना आए, क्योंकि खुले दिल से लोग बात करें तभी विपक्षी एकता बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब होंगे, क्योंकि उसके खिलाफ प्रत्याशी उतारने हैं। उन्होंने यह भी कहा अखिलेश प्रसाद ने कि क्षेत्रीय दलों को जगह मिलनी चाहिए और उस पर छेड़छाड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उनसे किया गया तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी जो इस बार शांत रहे और उनकी गंभीरता को लोगों ने महसूस किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने लगे हैं, यह इस मीटिंग में खुले तौर पर दिखा। जबकि केजरीवाल अपने एजेंडा या अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ बैठे थे, उसमें वहाँ पर तमाम पार्टियाँ उनके अध्यादेश को सहमति दे चुके थे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। इसका नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रुके और चले गए। उनका कहना था कि यह ऑर्डिनेंस पर अगर साथ नहीं देते हैं तो विपक्षी एकता कैसे बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में शिकस्त देना है। दूसरी तरफ जो उमर अब्दुल्ला, उन्होंने 370 बहाल करने की बात कही। कुल मिला के ऐसा लग रहा था कि सारे लोग मिल तो रहे हैं लेकिन अपने दिलों की बात अलग से कहना चाहते हैं और उस पर सर्वमान हल नहीं निकल पाया। नीतीश कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग सारी बातें तय हो गई हैं और शिमला में जो अगली मीटिंग होनी है उसमें चुनाव साथ लड़ने की और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हम लोगों ने तैयारी की है वो दिखेगा। और इसमें अभी तक जो एक बड़ी चर्चा का विषय रहा है कि पीएम का चेहरा कौन होगा, तो इस संबंध में कोई भी बात कहने को राजी नहीं है कि कौन पीएम का चेहरा होगा, कौन इसकी अगुवाई करेगा। यह बातें शायद अभी लोगों के अनुमान में और कयासों में ही डिपेंड करेगा। फाइनल कंक्लूजन के लिए नीतीश कुमार ने कहा है कि आपको जुलाई में जो शिमला में मीटिंग होनी है तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं कि इस मीटिंग का और भारतीय जनता पार्टी पर कितना असर पड़ता है, जबकि अमित शाह ने कहा कि यह पहले भी प्रयास करते रहे हैं और इसके नतीजे भी पूरे देश ने देखा है। उन्होंने हल्के मन से इस बात को नकारा है। देखते हैं कि चर्चा तो चलती रहेगी और एक नई राजनीति तस्वीर कैसे और कब उभरती है। धन्यवाद।